एबीपीएस न्यूज सच का साथी। पहाड़ों पर लगातार 5 दिन से हो रही बारिश से रामपुर जिले की तहसील स्वार क्षेत्र में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। करोड़ों की लागत से बना धनोरी बांध को कोसी नदी की तेज धार ने काटना शुरू कर दिया है। बाढ़ आने की संभावना से पहले बड़े बड़े दावे जताने वाला प्रशासन इस बांध को कटान से बचाने के लिए कोई उपाय करता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उसे इस बांध के कटने का इंतजार है। बांध के कटान से कोसी नदी से सटे गांव धनोरी, फाजलपुर, बंदरपुरा, मिलकाजी, धनुपुरा, शाहदरा आदि दर्जनों गांव के लोग दहशत में आ गए हैं कि कहीं ये बांध पूरी तरह से कट ना जाए और इससे भारी तबाही हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कटान को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिससे रात में खतरा बना हुआ है। अगर इसी तरह कोसी नदी में जल स्तर बढ़ता रहा तो बाढ़ का आना लगभग तय है, जिससे बचाव के लिए प्रशासन गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। तत्काल प्रशासन से मांग की गई है कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम पूरे किए जाएं। रामपुर से हारून पाशा की रिपोर्ट। आप ये बताइए, ये नदी जो बहुत तेजस्वी से कटान चल रहा है, ठीक है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये नदी का कटान चल रहा है यहाँ से, या कुछ ही देर में, अभी कुछ देर पहले ये जगह आगे तक थी, यहाँ से काटते काटते आगे बढ़ गई है। कुछ देर बाद ये बंदे को क्रॉस करके कब्रिस्तान पर पहुँच जाएगी, और कब्रिस्तान के नज़दीक ही हमारा गाँव है, और रोड क्रॉस करके ये गाँव तक भी पहुँच सकती है। जिस स्पीड से पानी बह रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 1 या 1.5 घंटे के अंदर ये जो है यहाँ पहुँच जाएगी बंदे पर। यहाँ अधिकारी या कोई भी? कोई अधिकारी नहीं, कई कॉल अधिकारी को कर चुके हैं, लेखपाल को कर चुके हैं, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं देख रहा यहाँ पर आकर। ठीक, ये दृश्य में था। ये जो बाढ़ कटान कर रही है, ठीक है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा भी नहीं है, और हमने कई बार कॉल भी कर चुके हैं, अभी तक कोई आ नहीं रहा, और ये कटान करते करते ये कुछ ही रात में हो सकता है कि गाँव तक पहुँच जाए, वो तो गांव में कदर मच गया, इसलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और अगर हमें पता ही नहीं चलता, नहीं तो सुबह को जब देखते तो पूरा कब्रिस्तान और शमशान घाट सब यहां पर है, पूरा कट जाता है यहां पर। अधिकारी कोई आ ही नहीं रहा यहां पे, चौकियां नाम से बना रखी हैं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं आता यहां देखने के लिए, कोई बंदे तक कोई पहुँच नहीं पाता है, बस बाहर से बाहर फॉर्मेलिटी पूरी करी और बाहर से बाहर ही चले जाते हैं वो लोग। और यहां कब्रिस्तान कितनी दूर है बंदे के? कब्रिस्तान बिल्कुल बराबर से ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं खड़े हैं भाई साहब, ये कब्रिस्तान है। अगर ऐसी कटान चलता रहेगा तो फिर आप? अगर ऐसी कटान चलता रहा तो हम लोग को मजबूर हो जाएंगे, गांव में अपने छतों पर चलना पड़ जाएगा, ये हालात है यहाँ पे। अगर ज़्यादा इसके अगर कोई जल्दी इसके ऊपर कोई अगर कुछ नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, हम लोग पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम रामपुर के तहसील स्वार के क्षेत्र में रुस्तनगर छपरे में आए हैं। आज आप यहाँ देखते हैं बाढ़ कितने जोरों से चल रही है। यहाँ बंदे का पास बंदा जो बिल्कुल कटने को है, यहाँ कोई अधिकारी आने को राजी नहीं है। ठीक है, यहाँ जो है बंदे का बराबर से ही कब्रिस्तान है, रात में ही बंदा काट दिया जाएगा, और यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है। सरकार ने अधिकारियों को बहुत जोरों से यहाँ लगा रखा है बाढ़ के लिए, इसलिए बंदा काटे ताकि वो एकदम अपना इंतजाम कर लें। एपीएस न्यूज चैनल से हारून पाशा की रिपोर्ट।